तो सलाम नमस्कार दोस्तों, फर्जी मुशायरे का एक एपिसोड बनाने का मौका हमको एशियन पेंट्स के अच्छे लोगों ने दिया है और ये शो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि कोई भी जो भी इसका मौका देता है मुझे दोनों हाथों से उस अवसर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोस्तों की महफिल लगाने का हमारा बड़ा चाव है। तो ये खास एपिसोड मानसून मुशायरे के नाम से उनके लिए बनाए हैं, इसको देखें, इसको अपना प्यार दें। जो भी आर्टिस्ट इसमें है अगर इसमें कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखें और अगर ख़राब लगे तो हमको डीएम कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। उसके अलावा पांच और एपिसोड जो हैं वो इस शो के फर्जी मुशायरे के वो खास यूट्यूब पर नए हमने शूट किए थे, वो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, सीधे आप तक पहुँचेंगे सबसे पहले, तो उनको भी उतना ही प्यार दीजिएगा। प्लीज़ एंजॉय द एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। आप सबका इस्तकबाल है और कहा है कि बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती हैं, सीलिंग से नहीं। क्या बात है, क्या बात कि बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती है, सीलिंग से नहीं। और खेलना है तो खिलौनों से खेलो, किसी की फीलिंग से नहीं। पहली बॉल पे छक्का मारा आपने, क्या बढ़िया। एक खास पेशकश आप लोगों के लिए लेके आए हैं साहब, एशियन पेंट्स स्मार्ट केयर डैम प्रूफ की तरफ से जो है मानसून मुशायरा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज हमारे साथ जो खास खास मेहमान है उनमें जो बारिश की बूंदें नाजुक नाजुक आपके चेहरे पे जो हल्की हल्की पड़ती हैं वो नाजुक पन जो है वो निशान भाई लेके आ रहे हैं हमारे साथ। लग तो नहीं रहा, क्या नाजुक है। और जो मिट्टी की पहली बूंद जो होती है, जो उसकी सौंधी सौंधी खुशबू होती है, वो वैसे ऐसे गोपाल जी हमारे साथ हैं। और जब सावन की बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली खुशहाली छा जाती है, वैसे मनोज जी हमारे साथ हैं। और उसके अलावा साहब, कई बार ऐसा होता है कि बारिश में लाइट वगैरह चली जाती है तो एक ही रोशनी का सोर्स बचता है ना, वो है हमारे साथ चांदनी की तरह जो है उजली वीनस। और जब बारिश हो, गर्मी हो, रात हो, तो अक्सर मच्छर आपको सोने नहीं देते, वो हूं मैं, जाकिर खान। गोपाल भाई, वाह, इस बात पे ठीक हो जाए, मेरी बारी आ गई है। जी, हाँ, क्योंकि आप जो है बाकी शेरों के अंदर बहुत ज्यादा टिप्पणियां करते हैं ना। आइए अब जरा इनको लिया जाए ना, एक सीनियर आदमी चाहिए था यार, बोलो कुछ इनको, आप इनको सुनाओ आज। आ जाओ गोपाल, मनोज भाई बिग फैन, ऑलरेडी यू आर लाइकिंग। खुशकिस्मती है मेरी तो इरशाद कि बिना चप्पल के कैसे, बिना चप्पल के? नहीं, नंगे पांव बिना चप्पल, नंगे पांव बिना चप्पल के बिजली के तार लगाए हैं मैंने। वाह 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 वाह, नंगे पांव बिना चप्पल के बिजली के तार लगाए हैं मैंने। और चलती बारिश में छत पे कपड़े सुखाए हैं मैंने। क्या बात, ये आदमी भाई, ये बंदा रोडीज के ऑडिशन में जाना चाहिए। गोपाल 200 IQ है ना। गोपाल भाई, आपकी समझदारी से दिए जल गए आज। फिर से सुनिए साहब। जी ये तो सुनना पड़ेगा। नंगे पांव बिना चप्पल के बिजली के तार लगाए हैं मैंने। वाह वाह। और चलती बारिश में छत पे कपड़े सुखाए हैं मैंने। और जरूरत नहीं है तो क्या रिश्ता भी नहीं रखे। क्या बात है, जरूरत नहीं है तो क्या रिश्ता भी ना रखें। तो क्या रिश्ता भी नहीं, नहीं, नहीं रिश्ता रिश्ता है यार। इसीलिए ब्रेकअप के बाद चाय पे बंदी के घर वाले बुलाए मैं। ये है जज्बा, ब्रेकअप के बाद भी बंदी के घर वाले बुलाए मैंने। वाह, हमने एक्सेस कैन बी फ्रेंड सुना था, आप तो आगे निकल गए। इरशाद, तो सच्चा शेर ये है कि परेशानी हो गई। अरे बताइए साहब, क्या परेशानी हो गई, आप छोड़िए शेर। अरे आप बताइए पहले परेशानी। हाँ तो अरे यारो, मुझसे एक नादानी हो गई। ओहो, यही शेर था। अच्छा, कि अरे यारो मुझसे नादानी हो गई, ठीक है, शुरू होने से पहले ही खत्म कहानी हो गई। अरे साहब, मैं कह रहा हूँ जहाँ भी खत्म हुई है बढ़िया ही हुआ है। कैसे बताइए। यारो मुझसे एक नादानी हो गई, वाह, शुरू होने से पहले ही खत्म कहानी हो गई। बिल्कुल, कहानी खत्म होगी तभी तो नहीं शुरू होगी। हुआ ये कि सस्ती करा ली थी छत पर केमिकल वाटर प्रूफिंग मैंने। ओहो, सस्ती करा ली थी छत पर केमिकल वाटर प्रूफिंग मैंने, जरा सी बारिश क्या हुई, लड़के वालों के सामने इज्जत पानी पानी हो गई। क्या बात है साहब, ये तो हो जाता है। अरे यार, ये तो बहुत बुरा होता है। और ये किस टाइप के लोग थे जो इतनी सी बात पे आपको रुसवा करके चले गए, है ना। हाँ मतलब बाढ़ भी आ जाए तो हम तो मना नहीं करेंगे। बिल्कुल साहब, तैरते हुए आ जाएंगे कि कोई बात नहीं, तैर के पहुंच जाएंगे। मैं आया साहब, तो इसी मौके पे एक शेर कहा है कि सूखे बालों को वो छत पर आकर सुखाने लग गई।
क्या बात है, सूखे बालों को छत पर आकर सुखाने लग गए। सूखे बालों को, इससे तो मैंने भी रिलेट कर लिया के सूखे बालों में जी बिल्कुल, आप ही की जुल्फों का जिक्र है यहाँ कि सूखे बालों को वो छत पर आकर सुखाने लग गई, चलती बारिश में नैनों के पेच लड़ाने लग गई। के सूखे बालों को वो छत पर आकर सुखाने लग गई, चलती बारिश में नैनों के पेच लड़ाने लग गई, और जब से पकड़ा है उसके पति ने मेरा लव लेटर, जब से पकड़ा है उसके पति ने मेरा लव लेटर, भरे मोहल्ले के बीच में खड़े होकर भैया मुझे बुलाने लगे। ये आपकी जो रिलेशनशिप में लीकेज हुई है आप क्या बताएं। फिक्स करवाएं तो बारिश की बात चल रही थी जी साहब जी, तो बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, मैंने बेसन गला लिया। बारिश हो रही थी, मैंने बेसन गला लिया, चल नहीं रहा था रिश्ता, जैसे तैसे चला गया। वाह वाह, एक अच्छा फैसला, एक ओके फैसला। हाँ देखिए देखिए कहाँ से कहाँ आ गई बात। बिल्कुल, शुरुआत हुई बारिश, बेसन, और चल नहीं रहा था रिश्ता, जैसे तैसे चला लिया। अब नहीं बैठना पड़ेगा घर में रेनकोट पहनकर। क्यों 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 क्यों, वही तो बात है, अब नहीं बैठना पड़ेगा घर में रेनकोट पहनकर, क्योंकि मैंने छत पे डैम प्रूफ करा लिया। बात है, मैं कह रहा हूँ साहब की अगर पकौड़े अगर अच्छे बन रहे हैं तो चला लीजिए रिश्ता। कहा है हमारे रिश्ते में मेरी और मत कीजिए ऐसे आपको चलेगा हमारे रिश्ते में, हमारे रिश्ते में लीकेज नहीं आने दूंगा। वाह, देखिए अपनी तरफ जोड़ लेते तो लीकेज नहीं आने देते। मुझे नीचे सामने हमारे रिश्ते में लीकेज नहीं आने दूंगा, वाह, गीली छत पर भी सीपेज नहीं आने दूंगा। हमारे रिश्ते में क्या बात, नहीं चाहिए आपसे, हमारे रिश्ते में लीकेज नहीं आने दूंगा, गीली छत पर भी सीपेज नहीं आने दूंगा, ठीक है, और भर दूंगा मांग एशियन पेंट्स डैम प्रूफ से। ओहो, क्या बात है, ये परमानेंट हो गया मामला, ये मामला परमानेंट हो गया है। भर दूंगा मांग एशियन पेंट्स डैम प्रूफ से, निकाल लूंगा यूपीएससी, ओवर एज नहीं होने दूंगा। क्या झूठ बोला है साहब आप, ओवर एज ऑलरेडी हो चुके हैं। गोपाल भाई आपका आधार कार्ड मेरे से ज्यादा पुराना है। साहब ये कौन सा सर्टिफिकेट, दसवीं आपने कौन सी उम्र में दिए पहले तो ये पता करो आप, वर्किंग एट स्टूडेंट ना, रिटायर वहीं से होंगे। क्या बात है साहब, ये बस इसी के बाद आज का फर्जी मुशायरा जो है यहीं पे मुकम्मल होता है। भाई मानसून मुशायरा, मानसून मुशायरा, और भी मुशायरे के एपिसोड आपके आते रहेंगे, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लग रहा है मनोज सर ने बेसन भी वो बरसात के पानी में ही गलाया गलाया आपने अंदर की बात पकड़ ली, बारिश हो रही थी, मैंने बेसन गला लिया, समझे आप, अंदर था ये मामला, ये अब आई है बात समझ में। इसीलिए साहब कहते हैं कि वाटर प्रूफिंग कराने का जो सबसे आसान तरीका है वो सीधे फोन उठाएं और कॉल करें 80504 by calling 80504 80504.